पीएच क्या होता है? पीएच एक पैमाना होता है जिसकी सहायता से किसी पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता का निर्धारण होता है। 7 पर पीएच उदासीन होता है, 7 से ज्यादा होने पर पीएच क्षारीय होता है तथा 7 से कम होने पर पीएच अम्लीय होता है। पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने सन 1909 ईस्वी में की थी। पीएच पैमाने का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सिरके का पीएच मान 3 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है। मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में 0.2 परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है। कम पीएच का मतलब है एसिडिक और नुकसानदायक पानी, और ज्यादा पीएच का मतलब है एल्कलाइन और फायदेमंद पानी। प्रोडक्ट है अल्का प्योर, वो कैसे काम करती है उसका एक हम प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या है। और बेनमून द आयुर्वेदा शॉप का एक बेहतरीन ऐसा प्रोडक्ट है कि अल्कलाइन क्या है, एसिडिक क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चार्ट है, चार्ट के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ग्रीन जो है, यहाँ 7 पीएच जो है वो 7 पीएच है। यहाँ पर 7 पीएच से नीचे अगर जाता है तो वो एसिडिक हो जाएगा, 7 पीएच से ऊपर जाएगा तो वो अल्कलाइन हो जाएगा। अभी देखते हैं, यहाँ पर दो ग्लास हमने लिए हैं। यहाँ पर अब ये ग्लास में हमने अपना जो बिस्लरी बॉटल पीते हैं या जो भी पानी पीते हैं आरओ का, वो पानी का हमें डिवाइड कर रहे हैं। दोनों ग्लास हमने यहाँ पर लिए हैं। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पीएच सॉल्यूशन है, उसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये पानी जो है वो पानी क्या है। तो हम देखते हैं पहले कि यहाँ पर एक ग्लास जो है उस पर हम यहाँ पर कुछ ड्रॉप उस पर डालते हैं पीएच सॉल्यूशन का, जो एक केमिकल है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर, आप देख सकते हैं यहां पर, तो लगभग कितना है, 3 पीएच के आसपास, बराबर। अभी देखिए दोस्तों, तो यहां पर आप देखते हैं कि अल्का प्योर जो हमारा पीएच जो ड्रॉप है, आप जानते हैं कि आजकल जो पानी है वो पानी कैसा हो गया है। पानी, हम जो पानी को शुद्धिकरण के लिए क्या किया हमने कि आरओ का इस्तेमाल किया या फिल्टर डाले, तो उससे क्या हुआ, पानी शुद्ध हो गया, लेकिन उससे वो जो पानी था वो एसिडिक हो गया। अभी अल्कलाइन कैसे होता है हम देखते हैं। यहां पर मैं, यहां पर जो अपना अल्का प्योर है जो आइडियल पीएच है उसका कुछ ड्रॉप उस पर डालता हूं, 1, 2, 3, 4, 5 ड्रॉप मैंने डाले। अभी इसको मैं हिलाता हूं और यही पीएच सॉल्यूशन इस पर डालते हैं। ये कलर आप देख सकते हैं, ये पीएच सॉल्यूशन में आप जो डाला उसका कलर कितना है, 9 पीएच के आसपास आप देख सकते हैं। यहां पर दिखता है 9 पीएच के आसपास, आप ये चार्ट है, ओके। अभी देखिए दोस्तों, दोनों कोई कलर मिलाने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो पीएच सॉल्यूशन जो है और उसकी वजह से ये जो था एसिडिक हो गया, ये अल्कलाइन आपको दिखता है, दिखता है दोस्तों। तो ये जो है, ये पानी जो है उस पानी में जो एसिडिक पानी था उसको अल्कलाइन कर दिया। तो ये जो है तकरीबन कितने पीएच का हो गया, 9 पीएच का हमारे पानी जो एसिडिक पानी था उसको बना दिया। ये आप देख सकते हैं कि अल्का प्योर जो है वो अल्का प्योर का कमाल।